हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ आप कैसे सिर्फ 10 से 15 मिनट में एक प्रोफेशनल ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं वर्डप्रेस पे, और आपके साथ कुछ बेस्ट फ्री थीम भी शेयर करने वाला हूँ जो कि ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए बिल्कुल फ्री है, ताकि आप भी अपनी वेबसाइट अमेजन या फ्लिपकार्ट जैसे बना सकें। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, मैं आपको लाइव यहाँ पर बना के दिखाऊंगा कि वेबसाइट कैसे थीम इंस्टॉल करना है, कैसे कस्टमाइज करना है सारा कुछ। तो यार वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं आपको पहले अपनी वेबसाइट दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि देख सकते हो bestlaptopmarket.com। अभी मैं इसे ओपन किया मैंने, और देखिए यहाँ पे मैं जस्ट यहाँ पे डोमेन को होस्टिंग से कनेक्ट किया है, यहाँ पे वर्डप्रेस मैंने इंस्टॉल कर दिया। ठीक है, तो इस तरह के आपको इंटरफेस देखने को मिलता होगा जब भी आप इंस्टॉल करते हो। तो पूरा का पूरा भी कुछ भी नहीं, इसमें कोई पोस्ट भी नहीं है, जस्ट अभी मैंने इसे इंस्टॉल किया है। अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना होगा सबसे पहले ई कॉमर्स जैसा बनाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ सेटिंग आपको करनी होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जाना होगा सेटिंग में, और यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, जनरल का या आपको परमालिंक का। तो यहाँ पे कुछ सेटिंग करना होगा जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपका एसईओ के लिए। तो मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। तो जनरल पे हम आ चुके हैं, अभी यहाँ परमालिंक पे क्लिक करना। तो यहाँ पे कुछ नहीं है जनरल में करने के लिए भी खास, तो हमें मेन यहाँ पे आना है परमालिंक पे। ठीक है, अब परमालिंक पे आने के बाद अगर देखिए पोस्ट नेम लिखा हो, तो पोस्ट नेम पर टिक लगा के आपको सेव चेंजेस भी क्लिक कर देना, क्योंकि ये एसईओ में बहुत काम होता है हमारे पोस्ट रैंक करवाने के लिए गूगल के फर्स्ट पेज पर। तो मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। ठीक है, उसके बजाय आपको प्लगइन पे और ऐड न्यू पे क्लिक करना है। आपको एक ई कॉमर्स स्टोर वेबसाइट बनाने के लिए यहाँ पे एक प्लगइन डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है WooCommerce। देखिए यहाँ पे मैंने टाइप किया, देखिए अब ये सर्च कर देता हूँ मैं। ठीक है, WooCommerce फर्स्ट कौन सा प्लगइन मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना और इसकी कुछ सेटिंग भी बताऊँगा। तो नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ मैं, चलिए लोडिंग हो जाते हैं। तो देखिए ये वाला फर्स्ट वाला है ना, फर्स्ट वन इसे आपको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर इंस्टॉल किया उसके बाद मैं एक्टिवेट कर लूँगा। तो जो एक्टिवेट पर मैंने क्लिक किया, आप देखिए यहाँ एक्टिवेट करने के बाद कुछ आपको यहाँ पे सेटिंग मिलेगा, तो वो करेंगे तभी आपकी वेबसाइट यहाँ पे स्टोर जो बना पाएंगे, अदरवाइज नहीं बना सकते आप। तो देखो यहाँ पे कुछ सेटिंग है, मैं आपको बताता हूँ, जस्ट सिंपल सेटिंग होगा, यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा। तो यहाँ पे लोकेशन आपको यहाँ पे चेंज कर लेना है। ठीक है, तो हमें देखिए यहाँ पे एक अफिलिएट वेबसाइट बनाना है। ठीक है, पूरा का पूरा एक स्टोर नहीं बनाना है अपनी, जैसे कि डिलीवरी करना ये करना, हमें सिर्फ अफिलिएट वेबसाइट बनाना है। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, तो यहाँ पे लोकेशन सेलेक्ट करना है आपको। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे करेंसी कि इंडिया, यहाँ पे इंडिया चूज कर लेना, क्योंकि अमेजन अफिलिएट आपने इंडिया का ज्वाइन किया ना इसलिए। तो ठीक है, यहाँ पे अब आई विल ऑल्सो ये लिखा है, इस पर भी आप एक बार टिक लगा दें। उसके बाद लेट्स गो पे हम क्लिक करते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो ये क्या बता रहा है फिल, तो इसको पूरा का पूरा चाहिए। तो चलिए हम एक काम करते हैं, पहले इसे यहाँ पे स्किप कर देते। ठीक है, नोट राइट नाउ पे क्लिक करेंगे, दैट्स इट। यहाँ पे ये बोल रहा है तो हमें ये करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पूरा का पूरा वो नहीं बनाना है। ठीक है, स्टोर, तो चलिए हमें इसे बैक कर दिया है अभी। अब मैं आपको बताता हूँ आगे क्या करना है। ठीक है, फिर से जाना है WooCommerce में, आप सेटिंग पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे सिंपल से इसके बेसिक सेटिंग है वो हमें करना होगा, और मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि देखिए यहाँ पर जनरल पे यहाँ पे कुछ है नहीं खास करने के लिए। ठीक है, देन हमें आता है यहाँ पे शॉपिंग या प्रोडक्ट, तो हमें शॉपिंग पे क्लिक करना होगा। हमारा जो मेन पेज यहाँ पे कुछ है ना वो क्रिएट करने के लिए बोलेगा। ठीक है, तो उसके बिना आप प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड नहीं कर पाएंगे, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक कंट्री चूज करना है। ठीक है, कंट्री स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इंडिया चूज करूँगा, जैसे कि इंडिया टाइप कर दिया है। तो फिलहाल यहाँ पे इंडिया के नाम से बहुत सारा स्टेट आ रहा है। ठीक है, कि कौन से स्टेट में है आपका, तो मैं इंडिया यहाँ पे दिल्ली सेलेक्ट करने वाला हूँ अभी, देख सकते हो। और इंडिया दिल्ली किधर है, नीचे 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 नीचे। सो फाइनली यहाँ पे मेरे को मिल गया, नीचे देखो ये रहा, नीचे आ जा। ओके, दिल्ली, तो मैंने यहाँ पे दिल्ली सेलेक्ट कर दिया कंट्री स्टेट। उसके बाद आपको नीचे आना है फिर से, और यहाँ पे देखिए कंट्री मतलब करेंसी, सॉरी करेंसी लिखा, करेंसी आपको यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लेना है इस तरह से, देखो। ओके, डन। देन आपको नीचे आना है, उसके बाद सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है सिंपली। अब हमारा ये मेन काम हो गया, क्योंकि आप जो भी प्रोडक्ट आप इंपोर्ट करोगे अमेज़न वेबसाइट से या ऐड करोगे प्रोडक्ट, तो आपका जो करेंसी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ठीक है, प्राइस के हिसाब से। देन आपको आना है यहाँ पे, प्रोडक्ट हो गया, शिपिंग, ये बाकी यहाँ पे ऑप्शनल है, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। मेन है हमारा शॉप पेज। ठीक है, तो शॉप पेज आपको यहाँ पे क्रिएट करना होगा, जैसे देख सकते हो प्रोडक्ट में यहाँ पे बता रहा है कि आपको सेलेक्ट करो। तो हमें जाना होगा पेजेस पे, फिर ऐड न्यू पे क्लिक करना है। मैं इसे न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे एक पेजेस क्रिएट करूँगा, और जिस उसके पेज का नाम आपको देना होगा सिर्फ यहाँ पे शॉप। ठीक है, यहाँ पे मैं शॉप टाइप करता हूँ, उसके बाद पब्लिश कर देता हूँ, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपको। तो शॉप नाम का पेज बन गया। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे वापस बैक, और फिर से जाएंगे WooCommerce पे, और देखिए यहाँ पे सेलेक्ट रिफ्रेश कर देता हूँ मैं एक बार से। अभी यहाँ पे पेजेस शो नहीं कर रहा है। ठीक है, अभी हमने क्रिएट तो कर दिया, तो यहाँ पे हमें पेज सेलेक्ट करना होगा शॉप का जो हमने अभी क्रिएट किया था। तो एक बार रिफ्रेश करके मैं फिर से करता हूँ, उसके बाद शायद दिखे दिखे आ गया शॉप पेज। तो शॉप पेज पर सेलेक्ट कर देना आपको। ठीक है, उसके बाद नीचे आना है, और कुछ भी नहीं करना यहाँ पे, देख सकते हो, बाकी सिंपल सा है। और देखा यहाँ इनेबल प्रोडक्ट रिव्यू, तो इसे भी आपको अनटिक कर देना है। ठीक है, क्योंकि हमें प्रोडक्ट का रिव्यू नहीं चाहिए। देन सेव सेटिंग पे क्लिक करो, ध्यान से देखिए पूरा स्टेप बाय स्टेप, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है आप यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आना आपको एडवांस में, ये लास्ट सेटिंग होगी आपकी।
उसके बाद देखिए यहाँ पे कार्ट पेज और चेकआउट पेज माय अकाउंट पेज का ऑप्शन आ रहा है। तो आप जब यहाँ पे लॉगिन कर जब पेजेस बनाएंगे ना आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो आपको कोड मिलेगा ठीक है ऊपर। अभी मैंने फिलहाल में भी नहीं दिखाएगा क्योंकि मैंने पहले किया था इसलिए। तो मैं कार्ट पेज को कॉपी किया यहाँ से ठीक है, और फिर से यहाँ पे एक ऐड न्यू पे क्लिक किया, नया पेज क्रिएट करूँगा मैं आप जाके, उसका नाम होगा कार्ट पेज जो अभी हमने कॉपी किया था ठीक है। यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ उसे, देखो कार्ट पेज मैंने पेस्ट कर दिया ठीक है। उसके बाद मैं पब्लिश पे क्लिक कर दूँगा। आपको यहाँ पे एक शॉर्टकट मिलता है जब आप इस तरह से क्रिएट करेंगे फर्स्ट टाइम जो भी होगा यूज़र उसको मिलेगा, फिलहाल मेरे को नहीं मिल रहा है। तो आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है और पब्लिश करना है, समझ गए ना। ओके चलिए अब दूसरा पेज यहाँ पे मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, चेकआउट पेज। तो ये फाइनल पेज होगा लास्ट, उसके बाद कोई पेज नहीं क्रिएट करना हमें ठीक है। ये पेज चेकआउट पेज हो गया, देन आपको पब्लिश कर देना। जो यहाँ पर टेक्स्ट का है जो ना आर्टिकल जिस जहाँ पे हम लिखते हैं यहाँ पे एक शॉर्टकट होता है वो आपको पेस्ट करना होगा। अगर फर्स्ट टाइम है तो मे बी आपको दिखे, नहीं दिखे तो कोई बात नहीं, करने की जरूरत नहीं है ठीक है। तो फिलहाल मेरे में अभी नहीं दिखा, फर्स्ट टाइम में दिखता है वैसे तो। और चलिए ठीक है, तो ये अभी यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं ठीक है। अभी हमें को यहाँ पेज सेलेक्ट करना होगा, तो पेजेस देखिए यहाँ पे हो गया कार्ट पेज जो हमने बनाया था अभी, और चेकआउट पेज पे फिर नीचे आना है आपको, चेकआउट पेज सेलेक्ट कर लेना है। दैट्स इट, फाइनली हो गया काम खत्म हमारा। नीचे आना है, उसके बाद सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है आपको। तो सेव चेंजेस मैंने क्लिक किया, उसके बाद मैं आपको बता दूँ आगे क्या करना है। आगे का जो काम है अभी थोड़ा सा बाकी है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आप थीम कैसे इंस्टॉल करेंगे, प्रोडक्ट कैसे इंपोर्ट करेंगे ठीक है। मतलब प्रोडक्ट फ़िलहाल भी हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट्स है नहीं अभी ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है, मैं एक बार दिखा दूं आपको। जाना आपको अप्रेस में दैन थीम पे क्लिक करना है, और एक बेस्ट थीम आपके लिए मैं बताऊंगा कि कौन सा थीम अभी इंस्टॉल करें। टेम्पररी आप पे डिपेंड करता है कौन सा करें, मैं बस अब एक थीम ले लेता हूँ यहाँ पे सिंपल आपको बताने के लिए। तो ऐड न्यू पे मैंने क्लिक किया ठीक है। अब यहाँ पे मैं थीम सर्च करता हूँ, तो यहाँ पे टाइप करूँगा शॉपिंग कार्ट ठीक है। ये वन ऑफ द बेस्ट थीम लगता है मेरे लिए ठीक है ना, सबके लिए नहीं होगा। तो मैं इसको अभी आपको दिखाने के लिए सैंपल यहाँ पे ले लेता हूँ। तो अब यहाँ पे देखिए शॉपिंग कार्ट आ चुका है और इंस्टॉल का बटन है, तो मैंने इंस्टॉल कर लिया। देन एक्टिवेट पे क्लिक किया मैंने, अभी थीम भी एक्टिवेट हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे आपका मेन काम शुरू होता है ठीक है। अभी हमारे पास प्रोडक्ट कुछ भी नहीं है ठीक है ना, तो हमें यहाँ से प्रोडक्ट वगैरह इंपोर्ट करना होगा। देखिए यहाँ पे लिखा है डाउनलोड डेमो इंपोर्ट प्लगइन, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। तो हमें यहाँ से एक प्लगइन डाउनलोड करने के लिए बोला जाएगा ठीक है। तो पेज को ओपन होने देते हैं और फ्री में डाउनलोड कर लेते हैं एक प्लगइन, उसे हमें इंस्टॉल करना होगा ठीक है। फ्री डाउनलोड करें, इस पर क्लिक करो आप, तो ये जो है ना उसका डाटा इंपोर्ट करेगा ठीक है, जो भी प्रोडक्ट्स है पोस्ट वगैरह है ठीक है। तो ये सारा का सारा आपका ये प्लगइन के अंदर होगा। तो हमें इसे डाउनलोड कर देते हैं, यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है जैसा कि आप देख सकते हो। तो फाइनली ये डाउनलोड हो चुका है। डाउनलोड होने के बाद हम जाएंगे फिर से अपने वेबसाइट पे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, आपको जाना है अभी प्लगइन पे। तो प्लगइन पे जाएं ठीक है, फिर से दोबारा प्लगइन पे जाना होगा अभी इसे इंस्टॉल करने के लिए, क्योंकि ये डाउनलोड हो चुका है प्लगइन की तरह। ओके ऐड न्यू पे क्लिक करना है आपको, ध्यान से देख लीजिए बारीकी से समझे ठीक है। मैं बहुत स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ आपको और स्लो भी बोल रहा हूँ इस बार। तो चूज़ फाइल पे क्लिक करना है आपको, देन जहाँ पे वो फाइल डाउनलोड हुआ है ना प्लगइन, उसे वहाँ पे आपको सेलेक्ट करके इंस्टॉल कर देना है ठीक है। आप फाइल देख ले अपना कहाँ डाउनलोड फोल्डर में है, किस फोल्डर में आपने किया है या सी ड्राइव में किया है। तो चलिए मैं डाउनलोड दिखाता हूँ, मेरा ऑलरेडी ओपन है यहाँ पे। तो नीचे आते हैं हम, लास्ट में ये मिल गया देखो, ये रहा थीम ठीक है, थीम फ्री इस तरह से लिखा हुआ है। तो इस पर हमें क्लिक करना है और इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना है ठीक है। तो ये एक से दो मिनट लगेगा आपको, इंस्टॉल हो जाएगा। तो आपको थोड़ा वेट करना है, देखिए फाइनल यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया है मैंने। देन एक्टिवेट प्लगइन पे आपको क्लिक कर देना है। अब मैंने यहाँ पे एक्टिवेट प्लगइन पे क्लिक किया, तो फिर भी आपका जो प्रोडक्ट है ना ऑटोमेटिक यहाँ पे प्रोडक्ट कोई भी आपको शो नहीं करेगा ठीक है, ना थीम इंस्टॉल होगा सही से। तो आपको यहाँ पे कुछ सेटिंग करना होगा, मैं बताता हूँ कैसे इंस्टॉल करना है। सेटिंग तो हो गया, देन अपीयरेंस में जाना है। अब यहाँ देखिए इंपोर्ट डेमो डाटा का ऑप्शन आ जाएगा ठीक है, पहले नहीं था। तो यहाँ पे क्लिक कर दो आप अपीयरेंस में जाके इंपोर्ट डेमो डाटा पे, और जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे देखिए यहाँ पे आपको कुछ नीचे आ जाए, यहाँ पे कुछ वारंटी मिलेंगे आपको कि किस प्रकार का आप दिखाना चाहते हैं। एक कुछ प्रो है जो प्रीमियम है, तो हम फ्री वाला लेंगे। यहाँ पे सिंपल दिखा ना इंपोर्ट का बटन, तो डिफॉल्ट हम इंपोर्ट पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे देखिए कुछ बता रहा है, यस इंपोर्ट पे क्लिक करना है आपको, बस इंपोर्टिंग प्लीज वेट लिखा है, तो हम वेट कर लेते हैं। आई होप कि यार आप लोग देख रहे होंगे, जो लोग 2020 में एफिलिएट मार्केटिंग से पैसा कमाना चाहते हो तो ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। देखिए दैट इज़ ऑल डन हो गया। अब मैं आपको अपनी वेबसाइट रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, वही जो बोरिंग सी वेबसाइट थी अभी किस तरह का दिख रहा होगा आपको, मैं अभी दिखाता हूँ ठीक है। ओपन, मैंने इसे ओपन किया, देखिए मेरी वेबसाइट bestlaptopmarket.com। आप देखिए ये इसका लुक पूरा का पूरा चेंज हो गया और एक प्रोफेशनल वेबसाइट लग रहा है। जितना अच्छा से कस्टमाइज़ करेंगे उतना अच्छा लगेगा। देखिए यहाँ पे ये बैनर वगैरह है, आप इसे कस्टमाइज़ भी इजी कर लेंगे, जैसे कि एक अमेजन या फ्लिपकार्ट जैसी होगी उस तरह से हो गया ये वेबसाइट अभी पूरा का पूरा ठीक है।
तो अभी आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंजेस कर सकते हो, जैसे कि ये जो प्रोडक्ट हैं, अब मैं आपको बताऊँगा कि आप यहाँ पे जो अपना प्रोडक्ट या अपना पोस्ट कैसे आप यहाँ पे ऐड करोगे, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा है, मैं आपको ब्लॉग पे क्लिक करके दिखाता हूँ कि इसके देखिए किस तरह से पोस्ट वगैरह लिखे हुए हैं। ये जो आपका मेन ब्लॉग होता है, यहाँ पे इस ब्लॉग को लिखना है ताकि आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिले और आपकी सेल इंक्रीज हो, ठीक है, एफिलिएट लिंक से। तो ये एक मेन यहाँ पर तरीका होता है, रीज़न है जो कि आपके पास ट्रैफिक आएगा ये ब्लॉग्स। तो यहाँ पे आपको ब्लॉग्स लिखने होंगे ऐसे फ्रेंडली हाई क्वालिटी के। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि क्या ना ऑल पोस्ट पे जाना है आपको, ठीक है। ये जितने भी इसके पोस्ट है ना वो डिलीट कर देने, उसके बाद यहाँ पे अपना पोस्ट यहाँ पे लिखना है आपको, ठीक है। सबसे पहले तो आप डिलीट करने से पहले कैटेगरी का जो नाम है ना उसे रीनेम कर ले, चेंज कर दे, अपना अपना बना ले जो भी आपका प्रोडक्ट का लिस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद जाना है आपको वूकॉमर्स में और जो प्रोडक्ट होगा उसको भी आपको डिलीट करके अपना प्रोडक्ट ऐड कर देना है, ठीक है। कैटेगरी भी आपने बना लेना है अपने हिसाब से जो भी है, ठीक है, और अपने प्रोडक्ट ऐड कर देना। बाकी कुछ भी कस्टमाइज नहीं करना पड़ेगा आपको, बना बना हुआ वेबसाइट मिल जाएगा, ठीक है, बना हुआ वेबसाइट पूरा बना बनाया, ठीक है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आपका टाइम भी बच गया देखो इस तरह से। तो इस सबको आपको सेलेक्ट कर लेना और डिलीट कर देना है, खलास, हमें नहीं चाहिए ये, इसका कोई काम नहीं है, ये डेमो प्रोडक्ट है, ठीक है। हमें यहाँ पे अपना अपलेट लिंक आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया कि आप मेनुअल भी कैसे ऐड कर सकते हैं, आपका सहोजन का प्लगइन है तो आप वो भी इंस्टाग्राम बहुत पावरफुल प्लगइन है, ठीक है। वो आई थिंक थोड़ा $59 का आता है, बहुत एक्सपेंसिव है, बट वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बार इन्वेस्ट करो लाइफ टाइम यूज करो, ठीक है, बहुत मस्त प्लगइन है, आप चाहे तो इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज आप खुद से मैनुअली प्रोडक्ट को ऐड कर करके कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा मेरे को पता है, फिर भी आप उससे कर सकते हैं। दोनों तरीका आपके पास है, आपकी मर्जी है, ठीक है, इट्स अप टू यू कैसे आप करना चाहते हैं। तो मैंने आपको तरीका बता दिया कि कैसे करना है, आप बस कस्टमाइज़ की बात करें तो आप कस्टमाइज़ कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। सिंपल है, यहाँ पे देखिए इसे कस्टमाइज़ करने के लिए आपको एप्रेस में जाना होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले इसका डेमो देख सकते हो, जो आप बैनर देख रहे हो ना और ये नीचे इमेज स्लाइड बार जो है इसको भी चेंज कर सकते हो, यहाँ पे अपना खुद से मैनुअली बना के आप ऐड कर सकते हो अपने तरफ से, जो यहाँ पे दिया हुआ है इसका इमेज चेंज करो, खुद से बना लो, आपका अपना हो जाएगा, नहीं अदरवाइज आप रिमूव भी कर दोगे तो भी चलेगा, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, ये ऑफर वगैरह के लिए होता है, थोड़ा पर्सनल लगता है, तो आप बना सकते हो, बनाओ, अदरवाइज इसे रिमूव करो। और देखिए कस्टमाइज़ का, देखिए यहाँ पे इस तरह से आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, ठीक है, साइड बार, लोगो वगैरह, वर्डप्रेस, तो सारा कुछ जो भी मैनेज करना है ना आपको यहाँ पे कस्टमाइज़ सब कुछ यहाँ से साइड बार में आप कर सकते हो, जैसा कि देख रहे हो यहाँ पे सब कुछ आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, जो जो कैटेगरी चाहिए, क्या ऐड करना है, क्या लोगो रिमूव करना है, ठीक है, ये या साइड बार रिमूव करना चाहते हो, यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट जो दिखाना, बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट में कौन सा लिस्ट दिखाना चाहते हो, वो अपने हिसाब से आप कर सकते हो, ठीक है, सारा आपके हाथ में पूरा कंट्रोल है, एकदम फ्री थीम है यार, बिल्कुल मस्त थीम है, आप इसे इस्तेमाल करो। और साथ ही मैं आपको कुछ और भी थीम देने वाला हूँ जो कि बिल्कुल फ्री है इसी तरह के, जो एलिमेंटर पे काम करते हैं, बहुत अच्छा थीम है, मैं आपको दिखाऊंगा, ये इसमें आपको ज़्यादा कुछ कस्टमाइज़ करने का भी टेंशन नहीं होगा, बहुत ईजी है और कस्टमाइज़ भी कर सकते हो, देख सकते हो, ये इमेज को रिमूव कर सकते हो, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, मैं साइड पर मैं पूरा आपको दिखा रहा हूँ तो नोटिस करो, जैसे कि देखिए यहाँ पे WooCommerce, ठीक है, अब यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी, ये सब है, आप बाद में देख लेना, ठीक है ना, मैं अभी यहाँ कस्टमाइज़ नहीं करने वाला हूँ, मैंने बस आपको बता दिया कि 10 से 15 मिनट के अंदर कैसे आप वेबसाइट को बना सकते, ठीक, हमने कुछ भी नहीं किया, बस पोस्ट को डेमो इंपोर्ट किया, हो गया काम ख़त्म, ठीक है ना। तो ये एक सिंपल तरीका, अब मैं आपको कुछ थीम भी बताता हूँ, देखिए सबसे पहला थीम यहाँ पे स्पार्कल स्टोर लाइट, ये थीम भी आप इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस थीम है और इसमें आपको बहुत सारे फंक्शन मिलेंगे, जैसे कि पिछली थीम में मिल रहा है, देखो इस तरह से इसका डेमो दिख रहा है आपको, तो ये थीम भी आप चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हो अपने वेबसाइट के लिए। दूसरा थीम दिखाता हूँ आपको, जाकरा, देख सकते हो, इन सब थीम के आपको जो लिंक नहीं है, मतलब नाम जो है मैं नीचे दे दूंगा लिंक, शायद मेरे को लिंक भी हो सके तो मैं दे दूँ, ठीक है, आप डाउनलोड डायरेक्ट कर सकते हो, देख सकते हो यहाँ पे इस तरह से पूरा थीम है, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, और सोच सकते हो यार इस तरह से अगर वेबसाइट बनाते हो तो आपका ट्रस्ट जो है पब्लिक के ऊपर कितना बढ़ जाता है, और एक जेन्युइन वेबसाइट बनाने के लिए आपको इतना मेहनत करना ही पड़ेगा, एक प्रोफेशनल वेबसाइट, एक अच्छा डिज़ाइन बनाना पड़ेगा। देखिए शॉप लाइन, ये थीम है, तो तीसरा थीम ये भी बहुत बेस्ट है, देख सकते हो कितना अच्छा डिज़ाइन है इसका, इंटरफेस वगैरह, साइड बार, पूरा सही कुछ एकदम प्रोफेशनल दिया हुआ है, लोगों को आसानी होगी आप बाय करने में या रीडिंग करने में जो भी प्रोडक्ट हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट थीम के तरफ चलते हैं अभी, तो नेक्स्ट थीम है ये, देखिए यहाँ पे स्टोर ओशियन WP, ठीक है, तो ये ओशियन WP का थीम है, देख सकते हो कितना प्रोफेशनल डिज़ाइन किया गया है, आप बिल्कुल इस तरह से सेम टू सेम कर सकते हो, डेमो बस आपको इंपोर्ट करना है और उसका जो डेमो प्रोडक्ट है उन्हें डिलीट करके अपना ऐड करना है, यही काम होता है। और ये है शॉपिल्स थीम, ठीक है, क्या लिखा है शॉपिल्स, अगर मैंने गलत बोला तो सॉरी, बट इस तरह से लिखा हुआ है, देख सकते हो, और ये थीम है बस सिंपल सा, सबके सब फ्री है, बहुत सारे आपको प्रो की तरह ही लगता है ये जब इंस्टॉल करेंगे तो आप, देन ये है ई स्टोर थीम, देख सकते हो ये कितना, ये बहुत अच्छा थीम है मेरे को, मेरे हिसाब से लग रहा है, ठीक है ना, वाइट बैकग्राउंड के साथ। देन यहाँ पे जिक्सी लाइट,
तो ये थीम भी बहुत अच्छा है, मैं ऐसे अभी ओपन करके दिखाता हूँ आपको इसका डेमो, ठीक है ना। यहाँ से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री वर्जन भी है, पेड भी है, तो फ्री में आप काम चलाए, पेड लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्री में भी बहुत सारा इसके आपका जो उसमें फीचर है मिल जाते हैं आपको, तो ये इनफ है यूज़ करने के लिए। तो मैंने यहाँ पर देखे जिक्सी ओपन कर दिया, देख सकते हो इसका किस तरह से होम स्क्रीन जो दिख रहा है आपको फ्रंट पेज। तो ये था कुछ थीम्स और कैसे आपको वेबसाइट कस्टमाइज करना है, कौन सा थीम यूज करना है, सारा कुछ मैंने बता दिया। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून एंड